अबे जानी तू लापा दे दोगी सर यार। क्या लापा दे देगी, छोड़ना पड़ेगा। चल जाने दबाओ। अरे मैं आप सभी का स्वागत है। आज हम एक शानदार वीडियो करने वाले हैं। यहाँ वॉक करने के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं, तो उनके साथ हम प्रैंक्स करेंगे। आप मुर्गा बनाते तो प्रैंक्स करने के लिए जाता हूँ, आपका टाइम जाया नहीं करता हूँ ज्यादा। तो चलिए 3 पॉइंट फुकरे को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। फाइन, टेक केयर। आज है ना ऐसा हुआ कि कुछ नहीं, ऐसे वॉक करते करते निकले। अभी देखते हैं क्या होता है। वॉक करने के लिए निकले, एग्जैक्टली हो ही जाएगी वॉक पूरी हम लोग के हिसाब से वॉक करने के लिए। हाँ, क्योंकि थके। एक मिनट। हाँ बोलो मैम, ये आपको एड्रेस पता हुआ क्या? मेरा नाम ना, पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम ना आर्यन है और मैं दिल्ली से आया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ ना, यहाँ वॉक के लिए आया था इवनिंग में, बट मेरे को कुछ समझ में कि कहाँ मैं वॉक करूँ और ये मैं घर भी भूल गया हूँ। तो मेरे मामा रहते हैं ना इधर, तो उनका एड्रेस देख लीजिए और बता दीजिए ना कहाँ है ये। ये यहाँ से आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी, आप बहुत दूर आ चुके हैं। क्या बात कर रही हैं आप, सच्ची? ऑटो करना पड़ेगा या यहाँ कुछ बस वगैरह मिल जाता? हाँ, बस मिलेगी ना, यहाँ से आगे से जाओगे ना राइट लोगे वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए वो तो मैं समझ गया, तो मैं मेरे साथ ही चल लीजिए ना मेरे को। नहीं नहीं, मैं अपना वॉक कर रही हूँ और आपको एकदम अलग दिशा में जानी है। नहीं ऐसा थोड़ी होता है, मैं छोड़ देते आप तो भला हो जाता। आपने एड्रेस मांगा था, पूछा था, बताया मैंने, वो उतना ठीक है। आप यहाँ से जाइए वापस, वहाँ से आगे राइट लेफ्ट लेंगे ना वहाँ पे बस मिल जाएगी आपको, मुझे अलग जाना है। तो मैम चलिए वो मैं समझ गया, चलिए मैं आपको छोड़ दूंगा ना उसी आपके साथ। पर आपको जाना है यहाँ, मुझे जाना है यहाँ, तो क्या कोई डील? वो ही नहीं हो रहा सेंटेंस। मैम मैं इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि मैं ना थोड़ा परेशान हूँ। आप गूगल मैप डालो ना। चल लीजिए मेरे सामने, ऑटो वाले को मैं रोकता हूँ। नहीं नहीं, चल लीजिए प्लीज, छोड़ दीजिएगा मुझे। नहीं 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 नहीं, आप जाइए यहाँ से। रे बोलिए ना मैम, मैं रोक लूँ क्या? नहीं चल, मैं रोकता हूँ मैम, चलिए। नहीं नहीं नहीं, आप अंधेरी चलेंगे क्या भाई? बताना रास्ता। हाँ रास्ता मैं बता दूंगा, अंधेरी लोखंड। अरे मुझे जाना है यहाँ पर है और आपको यहाँ पे जाना है, हम लोग का अलग है। भैया चलिए आओ ना मैडम, आइए। नहीं नहीं जाइए आप, यार चलो भैया अभी नहीं जा रही है मेरी मैडम से। मैम चल लीजिए ना, अभी ऑटो वाला भी आपके चक्कर में छूट। एक मिनट रुके, आप खुद जाए, मुझे मेरे घर भी जाना है। मैं आपको कहाँ जाना है, पाकिस्तान में मुझे जाना है इधर, हम लोग की दोनों की डायरेक्शन एकदम अलग हो जाएगी। देखिए यार, इंसान के नाते मैं कह रहा हूँ आपसे गुजारिश है कि चलिए। तो एक काम करिए ना आप, मैं आपको, आप ऑटो पकड़वाए, मैं उसको रास्ता बता देती हूँ, वो चले जाएगा आपको लेकर। नहीं यार मैम, आप ही चलिए, मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है, थोड़ा समझना चाहिए ना मेरे हिसाब से। और फिर आप मतलब देखो, आप मेरे घर के पास ही इधर उधर घूम रहे हो, कोई देख रेख भी लेगा तो सही बात नहीं होगा ना। भैया बन जाऊंगा भैया, तो ठीक है भैया ही रहोगे, बट अभी हमारे घर में थोड़ा ये सब चलता नहीं है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। चल लीजिए प्लीज, आइए ना, थोड़ा थोड़ी देर के लिए मुझे घर छोड़ के आ जाइएगा आप। अरे आप खुद घर चले जाओ, मैं नहीं जा सकती। और किसी से एक काम करो, किसी को रुकाओ, उसके पे बैठ जाओ, उसके साथ चले जाओ, मैं उसको बता दूंगी। नहीं मैम, आपको तो चलना पड़ेगा, तो चलना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। मैं नहीं आ सकती, तो बता दी, अब मैं रास्ते में साथ में नहीं जा सकती लेके। प्लीज इतना तो कर दीजिए। नहीं इतना भी नहीं कर सकती, आप जाइए अपने रास्ते में, ऑटो पकड़ लीजिए और जाइए, और मुझे भी जाने दीजिए। देखिए वक्त भी जाया हो रहा है। वक्त तो जाया हो रहा है, सही बोल रही हैं। तो आपका निकाह हो चुका है क्या? नहीं मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, कैसे निकाह होगा? सोचा कि हो चुका है इसलिए आपको जल्दबाजी है, क्योंकि इंसान। नहीं नहीं है ना, है ना, मतलब निकाह है, हुआ नहीं है, है उसके लिए जाना पड़ेगा ना, कोई तो इंतजार कर रहा है ना अभी। मैं अब सोचो, अभी देखो मेरे हिसाब से अगर कोई मेरे साथ है, मेरा फियांसी होगा, वो देख लेगा किसी लड़की के साथ, सही अच्छा है, सही समझेगा। तो सही क्या समझ, बोल देना कि फ्रेंड है मेरा यार। नहीं मेरे कोई लड़की फ्रेंड ही नहीं है। क्या बात कर रही है, तो मेरे कोई लड़की फ्रेंड नहीं बनते। मैं देखो यार, इतने समय से कोई लड़का लड़कियों के साथ और एक लड़की पे, ऐसे भी मेरा फियांसी यहाँ पे भटकता रहता है। देख लिया के सामने भाई बन जाऊंगा ना यार। दीदी दीदी बोल दूंगा, दीदी नमस्ते, भैया नमस्ते, डोंट वरी। क्या हो गया? ना ही वो दीदी समझेगा, ना ही भैया समझेगा, बोलेगा ये कौन सा भैया नया पैदा हो गया, पहले तो नहीं था 3 साल से। तो अच्छा ये क्या मतलब, पहले से? तो हाँ पहले से ही है। ओके अब भैया आप मेरा पीछा छोड़ दो, जाओ। पीछा तो छोड़ दूंगा, मेरे को एड्रेस बता दो यार प्लीज। यार बताया तो देखो, सभी जा रहे हैं अपने घर, मेरे को अपना घर नहीं पता यार, प्लीज यार। आपको बताया मैंने, यहाँ से सीधा जाओ, वहाँ पे लेफ्ट में बस मिलेगी। हाँ देखो, यहाँ से सीधा जाना, वहाँ से लेफ्ट लेना, वहाँ पे आपको एक बस मिलेगी, बस स्टॉप रहेगी। अगर वहाँ पे नहीं मिलेगी, उसमें थोड़ा सा और आगे जाना, वहाँ पे ऑटो स्टैंड रहेगा। तो वहाँ से क्या पकड़ना है मुझे?
ऑटो और बस ऑटो दोनों करो उतर जाना। आप अपना वो जो बताओगे एड्रेस वो उसको बता दो कि उधर बराबर जाके उतार देगा। और पैसे कितने देने होंगे? 60-75 अराउंड लगेंगे। तो मेरे पर तो है नहीं 100 दे देते 60 वो जाते 40 रुपए में खा लेता यार। मैं कहां से दूं मैं पैसे लेके? मैं तो मैं वॉक करने निकली हूँ भैया, मैं कैसे कर नहीं 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 मेरे को जाने दो। अरे आपको समझ नहीं आ रहा है, अभी बदतमीजी कर रहे हो, मुझे कोई देखेगा तो बहुत बोलेगा। आपको समझ नहीं आता मतलब दिमाग है कि घुटनों में चला गया है? दिमाग भी है घुटने भी है मेरे, लेकिन अभी बोले जाइए और अभी परेशान, अब जाइए यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो आपके साथ। तो मैं जा रही हूँ, प्लीज मुझे छोड़ो। देखो मैं बता रही हूँ यहाँ से ये लोग चलते हुए जा रहे हैं, इन लोग के साथ है ना, मैं इन लोगों को बता दूंगी, आप इन लोगों के साथ निकल जाइए। नहीं नहीं अब मैं आपके साथ इसलिए जाऊंगा क्योंकि आप ना मुझे अच्छे लगे और जब इंसान अच्छा लगे मैं उसे अपने साथ। भैया नहीं करो, मैं मोहतरमा मैंने बोल दिया ना आपसे, मैं नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही ये बताओ? अरे जबरदस्ती मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरा फियांसी यहाँ से पिकअप करेगा, आप यहाँ पे जबरदस्ती कर रहे हो। करना पड़ेगा तुम्हें, आप बता पागल हो गए जोर से चिल्ला रहे हो? क्या जोर से चिल्ला रहा हूं? मत चिल्लाओ, जाने दो भाई, देखो लाइट्स भी चालू हो गई, शाम एकदम हो गई है, मुझे घर जाना है, वैसे कर रहे हो छोड़कर जाने दो। देखो मैं बता रही हूँ इतना वक्त हो गया, आपको समझ में आ रहा है किसी की घर की लड़की बाहर है, कोई आके लेगा क्या समझेगा, रिश्ते खराब हो जाएंगे मेरे, कितने प्रॉब्लम हो जाएगी। मत मत भाई जाओ, तुम जाओ, इरिटेट मत करो, जाओ अपने अपने रास्ते जाओ। आप मेरे साथ चलो चलो भाई, देखो मैं धक्का धक्का मार दूंगी, मैं लफाफा दे दूंगी, यहाँ से जाओ। इरिटेट हो गई हूँ मैं, इरिटेटेशन की भी कोई हद होती है? कब से खड़े हो गए यहाँ पे इरिटेट कर रहे हो? जाओ यहाँ से, नहीं तो लफाफा लगा दूंगी मैं, मतलब की बेफर दूंगी, आपकी इज्जत चली जाएगी इधर, इतने हजार लोग हैं। अब आप मुझे छोड़ के मैं नहीं आ रही हूँ यहाँ से, निकलो आप छोड़ कर आओ। एक तो पहले दूर रहो मुझसे, दूर ही रहो, दूर रहो, मुझे नहीं पता, चलो मुझे छोड़ के आओ। मैं नहीं जा सकती, नहीं जा सकती यार। ये सब नहीं मेरे को ना, मैं बता रही हूँ मेरे घर वाले लोग देखेंगे ना, बहुत इरिटेशन होगी, आप जाओ यहाँ से। अरे एक तो इतनी इतना ज्यादा, अरे यार चलो यार, मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही, बकवास करती हूँ, मैं नहीं आ रही, जाओ पड़ेगा, चलो चलो मैं साथ चलो, मैं नहीं आ रही, जाओ। एक तो इरिटेटेड जा रहे हैं यार, मैं कब जाऊंगा अपने घर यार? अरे मैंने कहा आपका टांग पकड़ के रखा है कि भाई क्यों जा रहे क्यों जा रहे क्यों जा रहे, जाओ तो दिखा क्या ना। मैं नहीं आ रही रास्ता, मैं भी आई हूँ यहाँ पे, नहीं नहीं आ रहा अभी, मेरे को नहीं मालूम, मैं भी यहाँ पे नहीं आई, मेरे को नहीं आने का, जाओ। झूठ बोल रही है अब तू, मेरे को बोलने चाहिए, मेरी मर्जी नहीं तेरी, मैं मर्जी नहीं आ रही। अरे भाई हद हो गई, मुझे नहीं पता, चल अब मुझे छोड़ के आ, मुझे नहीं पता, मैं नहीं आ रही, मैं आऊंगा, मैं नहीं आ रही यहाँ से, जाओ आप। मुझे हमारा काम है एड्रेस आपको बताना और घर छोड़ के आना, मुझे घर छोड़ के आओ, चलो। आप यहाँ पे खड़े रहो, मैं भी खड़े, टाइम बर्बाद किया तो इधर से, तुमने मेरा टाइम बर्बाद किया, जो तुम खड़े होगे मुझसे एड्रेस पूछ रहे हो, तुमने टाइम बर्बाद किया है। मैंने किया टाइम बर्बाद? हाँ। मेरा इतना समय तूने बर्बाद कर मैं दिया ना, कौन सी खुशी में? मैं बोली ओ भैया इधर आओ मेरे को एड्रेस बताओ, मैं बोली ऐसा। इंसानियत के नाते पूछा, इंसानियत के नाते तो मैंने एड्रेस भी बता दिया। अरे एड्रेस बता दो, आप बोल रहे हो जाने को तो मुझसे नहीं जाया जाएगा, बता दिया बता दिया बता दिया, कहाँ जाऊँ मैं आपको छोड़ने के लिए, मेरे टाइम जा रहा है मुझे। अख्तर बता के चल, मुझे बता, मैं नहीं आ, मेरे घर चल, ऑटो मेरे को, ऑटो चलो आप, चलो। मैं नहीं आ रही, चलना पड़ेगा यार। आप जाओ भाई, अंधेरी चलेंगे दादा, आप बुला दिया मुझे, मैं नहीं, नहीं आ रही, मुझे नहीं पता, अंधेरी चलो दादा, अंधेरी चलेंगे आप, मैं नहीं आ रही। लोखंड वाले चलना है आपको, चलना पड़ेगा, मैं नहीं आ रही, जाओ आप, क्यों नहीं चलो, चलो प्लीज भाई जाओ, मैं जा रही, पीछे पीछे पड़ गया है आदमी पागल, यहाँ से जाओ, वहाँ पे रास्ता नहीं दिखा, मैं चल चल चल, मैं नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, चलना पड़ेगा, जबरदस्ती का परेशान, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, अरे नहीं जाना, चल मुझे चल, मुझे छोड़, हाथ छोड़, तू छोड़ हाथ, हाथ छोड़, हाथ अब मेरा है, ये हाथ मेरा है, बॉडी अब्बा ने बनाया है तुम्हारे, मेरा, जाओ यहाँ से, चलो पहले छोड़, अरे जाना, समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, चलो छोड़ के आओ, ए दुपट्टा छोड़, नहीं चलो छोड़, हाथ छोड़, नहीं जाओ ऐसे, अबे जानी तो लाफा दे दोगी, सही है क्या, लाफा दे देगी, छोड़ना पड़ेगा, चल जा जा ऐसे, सॉरी मैम, मैं सब प्रैंक करना पड़ रहा है क्योंकि ऑडियंस की रिक्वायरमेंट होती है मैम, ऐसे किसी का एक तो तुमने जान टाइम जाया गया, मैम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैम हम हार्डली प्रैंक कर रहे हैं, उधर जो हमारा दोस्त है कैमरा लेके खड़ा है, एक तो दिख नहीं रहा ऊपर से तुम लोग का, ये तमाशा चल रहा है, मैम सॉरी यार, मैम रियली सॉरी, ये प्रैंक इसलिए करना, तो मतलब पब्लिक की ना रिक्वायरमेंट्स होती कि हार्डली और जाके प्रैंक्स करना, तो मैम इस प्रैंक्स को हम डाल सकते हैं, ठीक है आप डालो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वॉक करने आई थी, ज्यादा जो किया है अभी मैं घर पे जाके जवाब देना पड़ेगा मेरे को, मैम आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली में होता क्या है ना, हमें प्रैंक्स करना होता है, आप बोल लीजिए लाइक सब्सक्राइब के लिए, हाँ इनकी चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और बच के रहना।
चलिए भाई गाइस 3.2 को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। सुने मैम जूबी जूबी, थैंक यू सो मच लाइक मैम, बाय बाय, टेक केयर, बाय।